والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل یہ وادی بھی ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا مزار قائد اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے یار میں نا سچی گل ہے کہ پردے دے حائل میرے کو تقریر ہونی نہیں میں تواڈے نال سامنے آ رہا تھا अंदाज़े ज़माना कहता है अंदाज़े अंदाज़े ज़माना कहता है मौजे हवा रुख बदलेगी अंदाज़े आशकाना कहता है मौजे हवा रुख बदलेगी अंगारों से गुलशन फूटेगा शबनम से शरारे निकलेंगे और अल्लाह ने कहा था ना जिस संत में चाहे सिफते सैल रवाचल ये वादी भी हमारी है वो सहरा भी हमारा वो कराची भी हमारा वो हैदराबाद भी हमारा वो नवाब शाह भी हमारा वो लाड़काना भी हमारा वो जाबाबाद भी हमारा वो खैरपुर मीरस भी हमारा वो रहीम यार खान भी हमारा वो सादकाबाद भी हमारा वो बहावलपुर भी हमारा वो मुल्तान भी हमारा वो खानेदाल भी हमारा वो साहिवाल भी हमारा वो काड़ा भी हमारा और वो लाहौर भी हमारा और निकले थे और निकले हैं और निकलेंगे और इंशाल्लाह हमने अपने बाबा से जो वादा किया मैं सलामी अकीदत पेश करता हूं उन गुलामान मुस्तफा को जो नूर के गुलाम यारा तुसी पास कर दे बस हूं ठा ठा इन्हें रो पैना ठा ठाने मैं कहना बस कर दो ये पैगाम है कि हुजूर दे अच्छा वो कहते ने कंप्यूटराइज है ये चलती रहनी ते असी कंप्यूटराइज नहीं हाँ असी हुजूर ते अशिक हाँ जब हुजूर की गल आएगी असा तो फिर जाना फैजाबाद भी जाना और इंशाल्लाह वजीराबाद भी जाना और वजीराबाद इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज तो बाद निकलना क्योंकि जिस तरह पहले निकले सा जुम्मे तो बाद याद है पैदल जाना गड्डिये ते जाना आवाज नहीं आई अद्धी अद्धी तुहाडी गल अद्धी साडी गल अद्धा पैदल ते अद्धा गड्डिये ते इंशाल्लाह ठीक है और दूसरी बात जड़े कहते सन कि असी लबैक का नारा नहीं लगन देना लबैक का नारा हर गली हर कूचे हर बाजार च लग रहा और हर एक दे घर च लग रहा और जड़े जड़े कहते सन कहां है लबैक वाले कहां है लबैक वाले हाँ उनको घर घर जाकर बता रहे हैं यहां है लबैक वाले और ये लोग कहते थे गर्मी है लोग कहते थे जनाब मौसम ठीक नहीं है लोग कहते थे जनाब इस मौसम में किसान भी अपनी फसलों को पानी देने नहीं जाते आप क्या करने जा रहे हैं मैंने कहा है जो बाबे ने इसकी गर्मी दी है ना वो सूरज के आगे मांद नहीं पड़ सकती सूरज तो मांद पड़ सकता है इधर शम्स को फिरत कहता है ना
जब सूरज बेनूर कर दिया जाएगा, यानी उस दिन भी हुजूर के आशिक कहेंगे हम सूए हशर चलेंगे। चलेंगे चाहे अबरार के साथ, और वो लोग जो रस्ते में आए थे और कहते थे हम मैं इनको रुलाऊंगा, तो हमने देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइम नहीं था, पर छोटे छोटे क्लिप रोने के देखिए। एक बस लगी हुई है अपना शराब की और एक बड़ा बस लगी हुई है जेब की, तो हमसे पूछा जा रहा है आजादी की जंग लड़नी चाहिए घर जाने से, उन्होंने पूछा जा रहा भाई आजादी की जंग लड़नी या घर जाना, जो कहने लगे उस्ताद जी की गल करना, और कहने आजादी की जंग में छोड़ो साड़ी का सियासत कोई बने के, मैं कह गुलामा ने मुस्तफा जरा का इश्क कोई बनेक नहीं, ब्रेक नहीं है इन्हों की मंजिल ही मदीना पाक है बस, और इन्हों की ब्रेक इन्होंने रस्ते च कोई अलीम खान नहीं आता, कोई जागीर करीम नहीं आता, और मैं पता लग्या कि आज 100 पुराने कौम के डाकू फिर कट्ठे हुए, पुराने शिकारी जान नया। मैं क्या चलो कोई नहीं, एक तजर्बा पाकिस्तान से तुम ये भी करके देख लो, कोई बात नहीं। आज मुलाकात हुई बड़े बड़े पुराने गाग, उन्होंने इकट्ठा किया गया और कहते नहीं ये आए नहीं ये लाए गए हैं, और रफीक तारड़ सी ना और जो आंदा सी ना समरिश जो सदरे पाकिस्तान सी और कहना सी ये रफीक किसी और का है, इसे ताड़ता कोई और है। हां जी ये आए नहीं, ये इकट्ठे हुए नहीं, ये इकट्ठे किए गए। मैं कहना इन्हों छो और लंदन चाहे 50 रुपए का स्टाम दे के नसा हुआ उन्होंने बुला लो, एक जरा कहता सी ये छोटा सा तबका, मैं क्या चलो मुल्तान तो दूर सी किबला जमान पारक तो उठ के आके गिन लो, तो हूं तो 15 भी नहीं बचिया, हूं तो घर का मुलाजिम भी जनाब जमानत नहीं देता, हूं तो गिनन भी आप ही आना पैना। बादशाहो सुनाओ की हाल है, सुनाओ सानू कहते सो मैंने सबको छोड़ देना है इसको नहीं छोड़ना, मैंने सबको छोड़ देना है इसको नहीं छोड़ना, मैंने कहा हम सब छूट गए अल्लाह ने तुझे नहीं छोड़ना, तू साडा रास्ता नहीं रोकिया, तू साडा रस्ता नहीं रोकिया, तू दीन दा रस्ता रोकिया, और असीं तैनूं पहले भी कहंदे सां क्यों इक्तदार आन जाण वाली शै वे इहदी कोई हैसियत नहीं, बंदा बन इंसान बन, लेकिन तेनूं समझ नहीं सी आंदी, अज तां पुछण भी कोई नहीं आंदा, अज तां सलाम दुआ लैण भी कोई नहीं आंदा, अज तां जनाब हाल चाल पुछण भी कोई नहीं आंदा, ते जिथे तू गोलियां बरसाइयां सन आके वेख ले आज भी लब्बैक दे नारे लग रहे हैं, La paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya Rasoul Allah, la paix, la paix, la paix, ya
साडे मुंडे तक ही कहने ठा फा तो बगैर मजा नहीं आ रहा। फिर अपना हिस्सा पूरा लैन आवांगे, हां फिर पूरा लैन आवांगे और फिर तुम दसांगे कि हिस्सा किनू कहने। असी ना मुल्क के खिलाफ हाँ, ना मिल्लत के खिलाफ हाँ, ना पाकिस्तान के खिलाफ हाँ, ना पाकिस्तान की किसी चीज के खिलाफ हाँ। लेकिन अगर याद रख लवे कोई कादियानी नवाज इतने समझता कि 295 सी नू खत्म कर लेगा, कादियानी अतिशक नू खत्म कर लेगा, तो फिर याद रखना मुहम्मद अरबी का आखिरी गुलाम भी जदों तक जिंदा तुसी साढ़े तो लंघ के जाओगे और तुहानू लंघन वास्ते हुण राह नहीं लभना। हुण मुहम्मद अरबी के गुलाम जाग चुके, कराची का खैबर जाग चुके, कोयटा का बलोचिस्तान जाग चुके, कश्मीर का जनाब सिंध जाग चुके, पंजाब का जनाब ओ कचलाक तक जाग चुके और इंशाल्लाह हुण हुजूर दा नारा लगना। और एक मिनट नारा लाने हैं और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम इस अंदाज नाल जाग चुके कि तुसी कहंदे सो कि ये इनके पास दो दो तीन तीन हजार वोट है, असी वोट इंशाल्लाह तुहाडे डब्बे पाट जाणगे इस बारी वोट इंशाल्लाह तुसी चुको कितने चुक दे। हां और रही इन चोरों नू दोबारा आजमाना, ओई जनाब बद्यांतर नू दोबारा आजमाना जड़े इमरान नाल छुटे, जड़े जनाब उतो नवाज नाल छुटे, जड़े सरदारी नाल खत्म होए वो दोबारा कट्ठे। चलो ये भी एक बारी आजमा के देख लो, असी देखे वा इन्हें सारे नू एक बारी हुकूमत दे दो, दे दो ते चलनी ये भी चार दिन नहीं। ते जड़े हुकूमत लैन आ रहे हैं मैं उन्होंने दस रहा वीजा तुहानू भी नहीं लभना नसणदा। हाँ और ये साढ़े वड़े ने पाकिस्तान बनाया, इस पाकिस्तान की मंजिल ना जाति उमरे, ना बनी गाले, ना बिलावल हाउस है, इस पाकिस्तान की मंजिल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। और ये पाकिस्तान बनाने वक्त साढ़े वड़े ने नारा लाया सी कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बल के रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या। और भाई इस दरब के नाते तो मैं कराची हो चलिया, मैं उन्होंने कहा सी तुहाड़ी दरब बाबर जी नू दसनी, ते लाहौर वाले तुहाड़े वास्ते लंगर तैयार है जी, लंगर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल है, खत्म होना दुआ होनी ते लंगर, ते जनाब लंगर बिल्कुल तैयार है, ते जरब ला इलाहा इल्लल्लाह दी इजलानी के जनाब ये जड़े बुतन कहंदे सन तख्ते लाहौर, मैं कहा तख्ते लाहौर नहीं, ए मुहम्मद अरबी दा गुलाम दा गाड़े, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। और इन्होंने दसिया कराची तो लैके लाहौर तक और इंशाल्लाह लाहौर तो लैके इस्लामाबाद तक ये मार्ग चलेगा के कराची तो लैके लाहौर तक इदारे न कोलन, एजेंसियां न कोलन, अकाउंटेबिलिटी के इदारे न कोलन, सारा कुछ न कोले, साडा दावा अल्लाह रसूल की जात ते उन्होंने नाल जनाब हुजूर दे ना ते भरोसा, साडा एक चैलेंज है, जाओ तलाश करो कि इनको कौन देता है पैसे, जाओ पता तलाश करो इनका इन्वेस्टर कौन है, इनका कोई इन्वेस्टर जागीर तरीन नहीं है, इनका कोई इन्वेस्टर फराकोगी नहीं है, इनका कोई इन्वेस्टर आज चीमा नहीं है, इन्होंने कौम की बेटी नहीं बेची, इन्होंने कश्मीर नहीं बेचा,
बल्कि इनके से कोई पूछ लेता है, जनाब कौन देता है आपको पैसे, तो ये सब कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को, और देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और इदारे तुम्हारे पास हैं, सारी चीजें तुम्हारे पास हैं, मीडिया नहीं दिखाता ना दिखाए, मैं ये मेरा ये क्लिप काट के लगा देना भाई लड़को, कि कराची से लेकर बाबा जी के मजार तक अगर किसी रेड़ी वाले का, किसी दुकानदार का, किसी ठेलेबान का, किसी सुनियार का, किसी कपड़े के ताजर का, किसी दुकानदार का, किसी मनियारी वाले का, किसी पान वाले स्टोर का, किसी का अगर एक रुपए का भी नुकसान हुआ है, किसी बाग वाले का, किसी फसल वाले का अगर एक रुपए का भी नुकसान हुआ है, तो हम बाबा जी के मजार पर यह हमारा पता है, हम भरने के लिए तैयार हैं। और कौम की उन माओ और बेटियों को सलाम जितने इतने हिम्मत और हौसले देकर अपने बच्चों को, अपने शौहरों को, अपने बेटों को, अपने वालिदों को घर से भेजा है और कहा है कि चलो। बाबर रिजवी के बेटे ने कहा है कि मार्च निकालना है, पाकिस्तान बचाना है, चलो घर से निकलो और साथ चलो, जान देनी पड़ी जान दे देना, खून देना पड़ा खून दे देना, माल देना पड़ा माल दे देना। और कराची से लेकर लाहौर तक मुझे किसी कारकुन ने यह नहीं कहा कि हजरत साहब हम थक चुके हैं। मैंने जिससे जाकर पूछा कि यार थक तो नहीं गए, कहने लगा आप हमसे ज्यादा कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कहता आपने हमें गाड़ियों पर बिठा दिया है, हम पैदल चल चल बाबा जी के मजार तक जाने का सोच कर आए थे पैदल। नहीं भाई, अब आखिरी बातें और सुस्ती नहीं करनी, कायरी नहीं करनी, और जनाब थकना नहीं है, अभी हमारी मंजिल बहुत आगे है। और अभी तक लाहौर आया है, पेट्रोल भी नीचे, गैस भी नीचे, घी भी नीचे, डॉलर भी नीचे, अभी इस्लामाबाद बड़ा दूर है, अभी तो हमने साधो की भी जाना है, अभी हमने राणा टाउन भी जाना है, अभी हमने मुरीद के भी जाना है, अभी हमने आजादी चौक भी जाना है, अभी हमने कखड़ भी जाना है, अभी गुजरावाला भी जाना है, अभी वजीराबाद भी जाना है। और इंशाल्लाह और एमयू कॉलेज नान के जाना, जाना भी एसीएल के लिए जाना इंशाल्लाह। और तैयार हो भाई, सारे तैयार हो, हाथ थोड़े कम नीचे है, खैर है, हम कराची से चल के नहीं आए लाहौरियो, तुसा लाहौर दे पावे नहीं छटे, लाहौर दे हरीसे नहीं छटे, लाहौर दे छोले नहीं छटे, और तगड़े हो जाओ, खर्च करने की बारी आ रही, तगड़े हो जाओ, तगड़े हो, मैं थोड़े नाल ही इत्थे रहना, मैं थोड़े नाल अपनी गल करनी, हुण तां मैं अपने पाकिस्तान भी साडा, हर मुल्क मुल्क मायस कि हर मुल्क मिलके खुदा मायस, एक तो कश्मीर भी साडा, कराची भी साडा, लेकिन मैं इत्थे वड्डा होया ना, मैं थोड़े नाल गल कर रहा, तगड़े हो, हाँ भाई तगड़े हो, तगड़े हो सारे लाहौरिये, हाँ तगड़े रहना, जुम्मे भी पढ़ांगे इंशाल्लाह इत्थे, ते जुम्मे तो बाद फिर जनाब ये कहने जाओगे ये जबरो कहर नहीं, ये जबरो कहर नहीं, ये जबरो कहर नहीं, और जलिया तारीख लिखी जाएगी कि कराची तो लोग चले होन, और जनाब शहर दर शहर, बस्ती दर बस्ती,
गोठ दर गोठ, तालका दर तालका, तहसील दर तहसील, गांव दर गांव और रात दे 3 बजे नाले होन